पूजा पाठ करके और सवा शेर प्रसाद पंचामृत और गदरी फल लेकर के अनेक पलांग के द्वारा पुष्पांग के द्वारा भगवान सत्यनारायण की और अच्छी तरह पूजा की, पूजा करवाने की ओर महाराज पधारो नारायण भगवान, पधारो सत्यदेव भगवान, पुष्प हारे कंठों पर साजो, कंठपुष्प हारे कंठों पर साजो, पंचामृत जो अपार कदली मेवा फल तई सेवा करो अंत में पान, पधारो सत्य नारायण भगवान, पधारो नारायण भगवान। भगवान की खूब अच्छी पूजा करी, पूजा करके और प्रसाद बांटियो, प्रसाद आप लियो लेकर के और भगवान ने क्यों महाराज में तो की जाना को नी थे जानो था को काम जाने, पर भगवान पूजा देख करके प्रसन्न हो गया और बड़े प्रकट होया, प्रकट होकर के लीलावती कलावती दोनों ने कह लगा बोलो कह चाहो मैं था की पूजा से बहुत प्रसन्न हूं, क्यों अब कैसा हमारी मान गए ग्रह जो हमारा पति देवता मतलब जमाई राणा दोनों घर आ जाना चाहिए, बस सही चाहो कहीं जाओ क्यों ठीक है जाओगे उसी यहाँ क्या करेंगे, और भगवान है जिका कट प्रकट हुआ राजा चंद्र केतु के सपना के महाराज के समय में प्रकट हुआ। अरे राजन प्रातः काल तुम दोनों वैश्य बांध रखे नी माँ जना ने मानो तू छोड़ रही नहीं तो तारा रिपिया भी या राज बाढ़ सब लक्ष्मी से तो नष्ट भ्रष्ट कर दे मुला राजा जी को सपन बहुत तो खुदाए हो इस सपन नहीं खुले हो इया करता ही भगवान के गिरो अंतर्धान हो गया, अंतर्धान हो गया राजा प्रातः काल उठो उठ करके राज शिव श्री का जन्म बैठो बैठ करके हुक्म लगायो क्यों जाओ दोनों माँ भाई के हैं पकड़ रखे हो ना माँ जना है पकड़ कर जगाओ। अब भाई वह माँ जन है जिकर पकड़ना के वास्ते सिपाही गया जाकर के ट्रैफिक वहां सा करे कार्य पर सीधा दे रखी नहीं बट गया जाकर के माँ जन पकड़िया पकड़ करके चलो थाने राजा बना अरे भी मना राजा किया बना रहे क्यों रे राजा बना हाँ मैं विचार सुन कर गए कहने लगा कि वो क्यों रो भाई अरे अरे से जेल दे दी सजा दे दी आपके फांसी तक तो देसी की कोई अरे मिहल हुआ मन के वहां घबराहट नहीं हुई हथियार लिया भेजा मानता है मन पकड़ करके राजसभा के मैं पेश गया राजा के भाई था ये कई चोरी करी भाई अरे महाराज ये तो की चोरी को नहीं करी जना बोलिया माधन के हो राजा जी के क्या जची जो बुलवाया जो जेल सजा देंगे देंगे दंड कठोर देंगे दंड कठोर अरे फांसी देवेंगे और ले लेवेंगे जान हमारी अब कला का होगा क्या और अरे 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 सजा दे दी नहीं सब कुछ कर रही है लेकिन अब तो माने को सजा मान लो फांसी की देता रहा और तुम्हें बचो को नहीं राजा क्यों भाई जो रो ना अरे अपराध करे को नहीं को ना ना महाराज मैं अपराध को नहीं करो ताकि सिपाही माने पकड़ करके लिए धमकी गांठ के अपन लोग ही नहीं चटो अच्छा राजा है जो मंसूर हजामत कराई तारा सब ये कटवाई और सुंदर गहना पड़ा स्नान कराया और जितो दल दियो ने बस तो 10 गुणों ज्यादा दियो 10 गुणों ज्यादा दे सिपाही को जाओ और न्याव के मां बिठा कर जाओ पाचा बड़े गांव नहीं आना चाहिए क्यों ठीक है महाराज आपकी कृपा में फिर जैसा जना के करो दोनों माँ जना ने और सिपाही है जिनका ले जा करके बटे न्याव के किन्ने दम रख दियो न्याव के मां रख करके क्यों बोलो माँ जनो मैं प्रणाम करा था ने जाओ सब कुछ है
यात्रा तो कृतवारं साधु मंगल पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरं गयो। सूत जी महाराज कह रहे कि हे ऋषियों आगे की कथा बताओ हाँ कि इमाजन दोनों यात्रा करना के वास्ते कुछ धन बांट करके और न्याव के माने बैठा भाई न्याव के माने बैठता ही मान थोड़ी सी देर हुई अब तक के माने न्याव ने किनारे खड़ी करी थोड़ी दूर जाने बाद अब तक दंडी महात्मा आ गए। दंडी महात्मा हटो कुटो हो भाई माधन ने पूछे अरे मा जना अरे ताकि न्याव के मायने कहेंगे बताओ तो जरूर। दंडी महात्मा की बात सुन कर गए और साधु वैश्य दोनों बोलिया क्यों रे महाराज माँ की न्याव के मायने तो कुछ भी नहीं है। अरे महाराज जोर से बोलिया तत्व हेड़ाया प्रत्यते अरे मा जनो साची तो बोलो। अरे अरे महाराज मैं सच्ची बोल रहा हूँ माँ की नाव में तो लता पत्र हल्ड बेहल्ड आवरा इलायची चौकी सत्ता पर मार्गो पर हीन दरिया भरे है महाराज आप उसे लेकर के काई कर जो। अच्छा सटे की सत्तम बतनम और जिक्की ते बात बोलो ने बात सच्ची हो जाती बस सच्ची वीर नावड़ी डोलन लागी उन्होंने मुने दसूसरा तो पहली मूर्छ तो भूमि पर और साथ में के गयो आगे ने जाकर के एक धुनी दुखा करके बैठ गयो है चिंतन करने लायो जो देखो रे देखो रे देखो रे माजे कितनी बार तो मन ठग लिया कितनी बार मैं अंक ठग लियो तो भी अनचेत तो मौजूदा ही होयो नहीं तो कहीं ना अब वो सुसरो है मूर्छित तो जो जवाई कवे हैं अरे पिताजी और अरे वो महात्मा जनु को जादू तुनो करीब दिखे सारो पिकन सलाम पाछा जल्दी धीरे से आकर के भगवान के कने बैठ गया माने महात्मा कने बैठ गए और क्यों महाराज आप कौन हो बेताने पहचान कौन से क्या आप तो जरूर कोई इष्ट देव लागो हो लेकिन बाकी जान तो सब कुछ है कथा पत्र हो गया महाराज आप कौन हो साची बताओ ना। भगवान क्यों बा शर्म नहीं है बताने झूठ बोलताने अरे महाराज भी मुश्किली करो क्यों महाराज में जाने मुनि बस प्रगट प्रिया प्रगट बताए पहन अब तो ससुर जवाई देख रहे हैं अब महाराज भगवान ने तो किया क्यों बोल बोलता बोलता भगवान की प्रार्थना करी प्रार्थना करी जंगल में जो कोई भी चीज है ना वहां जाकर के भगवान के बड़े पूजा करी। अब भगवान ने खाई चीज है भाई भगवान फल है तुलसी पत्र है और पंचामृत है कदली फल है और आत्म शिक्र प्रसाद है बस ही चीज है पान फल भगवान की पूजा कर पुष्प माला पहना करके और महाराज ने क्यों महाराज मैं तो मूर्ख कुमार रह गया घास फूस के माने आप शीघ्र बदल दीजिए फिर माँ को धन है जी करो नहीं महाराज दीनता दिखाया माधन बड़ा चतुर है ये बात से दीनता दिखाई जब भगवान की ओर देखो बेचारा अतः बस कुमार है हाँ सांप होकर आ गया जरूर कोई की मानता होगा बोलो क्या चाहो क्यों महाराज माँ को धन है जी कर दो ने कभी झूठ बोल चोगे अरे महाराज को नहीं बोला जाओ भाई नहीं हो जाती भगवान कह कर गए और बटो मजे को अंतर ध्यान हो गया। अब अब जो भी नाव के मान देखे हैं तो नाव भरी भरी दिखी बेटा जल्दी जल्दी चलान लग गया देखो और कोई हजार लोग की क्यों उसकी धन बांटो तो करो करो पड़ी सजा को कुछ तो बार बार उठ के सो धन बांट और चलाए नाव ने चलाते हैं पान के हो आपको घर नजीक आम लगे बेगा से उतरने लग गया अब तक मैं नौकर भी क्यों पुरानो छेटा को नौकर दे कर भाजो बाहर करके और जो कि छेटाने ही नहीं लीला होती बिना जाकर क्यों छेटाने जी अरे धाका पति देव
और जवाई राणा दोनों भी आ गए नदी के किनारे पर। हर दल की गांठ डर है गांठ डर है मार पटोर है आठ डर है बहुत पटोर है दल की गांठ डर शुक्र कर पटोर तो मादे के बेटो थक रहे हैं ये बहुत देखे की दया बन जाए तो ही वास्तव है कि धन का भूखा ज्यादा है जमाना का मान इस जन्म के वहां युग है। तो इस समय के मायने कलावती कन्या के ग्रही भगवान को सत्यनारायण भगवान की पूजा तो कर ली नहीं पूजा करके आज पूर्णिमा को दिन हो और भोग लगा कर गए और प्रसाद बंटू को नहीं होता कि मामा चली आई क्यों बेटी बेटी मैं तारे पिता का और मैं तारे पति का दर्शन करने के वास्ते जाऊं हूं नदी के किनारे बार नौकर के हुए तुम तो जल्दी आई बेटी क्यों जो हमारा थे जाना था कि पूजा जाने है अगली पूजा होगी हाँ भागी बढ़ू माँ पूगी पूरी पीऊ पहला बेटी पूगी कटे नदी के किनारे नदी के किनारे पूगी ही और खड़ा उपड़िया बारे भगवान माया के गिरी पति वालों किनारों तो डुबो दियो जल में हाथ रात को किनारों पिता वालों होना जो को लगा दियो किनारे नाव मंदा नाव चलाने वाला ही विचार करो नाव तो टूटे पर यह को टूटे आदि टूटे ना तीसरे शायद जरूर कोई देवता की माया इनको फर्क नहीं है यह कर गए बकलावती है जो आकर के आपके पति ने नहीं देख करके हर रोने लगी बिलखने लगी विचार करने लगी अरे 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 किसा देवता ने मारा पति ने हर लिया है यहाँ करके मैं खड़ा होने के लिए और मरने के वास्ते तैयारी समुद्र के मान नहीं तार बिना बचती बिन पहिए के रथ बेकार अरे इसी से नारी का रहना क्या अच्छा परिवार अरे कई लोग दुनिया के मायने जब किसी को पति को नहीं तो भी करोड़ों भी बेकार बताए हुए है मेरे प्रोग्राम कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है अब तक के मायने आकाशवाणी हुई कि एक कन्या तो प्रसाद रोक करके क्यों मर रही है यदि तू घर जा करके सत्यनारायण भगवान को प्रसाद ने तो परित्याग करियो है वापिस यदि आवे भगवान को भोग लगा करके तो तारा पति है जिया जिया सह कुशल मिल जाए बागी पाजी खड़ा मिल जा मेरे घर के भाजी माँ आई लाल पीछे से अरे अरे बेटी क्या हो लो क्यों माँ माँ मैं तो भगवान की पूजा करके हम ठेर जाए पाची आई साफ पूजा दोबारा जताई दोबारा जाकर भगवान की पाची खूब तन मन के द्वारा पूजा करी पूजा करके अब भी नदी की किनारे पाची की हमने तो नाव टूटी है न कोई जो भी है तो करण धारक कौन है श्री सत्यनारायण भगवान। तो बेटी को पिताजी आप हमें बहुत फुड़ा पड़े ये बात तो आप वहां पर सत्यनारायण भगवान ने कद ही बोल बोला पिताजी क्यों भाई बेटी मकमान बहुत फोड़ा पड़े सत्ताईस वर्ष हम आया अब आप पूर्णमासी का संक्रांति का और जगह दिन मन में इच्छा होगी जगह दिन भी सत्यनारायण भगवान को आप पूजन कर जाम व्रत कर जाम यहाँ करके ही लोक के मायने तीनों प्राणी सुख भोग करके अंत के मायने सत्यनारायण के लोक में गया है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोत वाच है अदरम प्रक्षामि शरणम मुनि सत्यनाम आशीतुंगल दरो राजा।